दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए बड़े ही, देखिए कितने बढ़िया खस्ता करारे बिस्किट बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे और झटपट बनेंगे। आप इन्हें तवे पर बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, और तवे पर भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तो बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस तरह से पुराना तवा रखा हुआ है, ढक्कन रखा हुआ है, तो हम ये बिस्किट फटाफट बना लेंगे। तो देर नहीं करते, चलिए बनाना पड़ते हैं टूटी फ्रूटी यानी फ्रूट वाले बिस्किट। इसके लिए सबसे पहले हम तैयारी करते हैं। चीनी लेते हैं, आधा कप नाप लेते हैं, और चीनी के साथ देखिए दो हरी इलायचियाँ रखी हैं, घर पर इलायचियाँ रखी रहती हैं, चीनी के साथ ही हम पीस लेंगे ताकि फ्लेवरफुल बिस्किट बने हमारे। तो देखिए चीनी को मैंने अच्छे से पाउडर कर लिया है, तो ये तैयारी हमने कर ली है। चीनी को पीस कर एक तरफ रख लेते हैं, एक बॉल लेते हैं बड़ा, उसमें डालते हैं देसी घी। जब आप बिस्किट बनाते हैं घी में बनाइए, आप मक्खन में बनाइए, लेकिन तेल में नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने देसी घी लिया है, मेरे पास घर पर वो रखा है, आप डालडा घी या वनस्पति घी कोई भी ले सकते हैं, मतलब घी होना चाहिए। तो आप नाप कर आधा कप घी ले लीजिए एक बड़े से बॉल में। हमने घी को खूब अच्छे से अब फेंटना है, तो जब आप घी को फेंटेंगे तो एकदम सफ़ेद हो जाएगा, इसमें हवा भर जाएगी और फ्लफ़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी विस्कर के हेल्प से आप इसे यूँ फेंटते जाइए, और देखिए कैसे कैसे ये, जैसे जैसे मैं इसे फेंट रही हूँ, इसके जो दानेदार इसके अंदर रहते हैं टेक्सचर, वो भी हट रहा है, और ये बहुत वाइट एंड लाइट एंड क्रीमी हो रहा है, एकदम मक्खन की तरह हो गया, जैसे हमने मक्खन को फेंट लिया। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीनी जो हमने पीस कर रखी हुई थी। देखिए चीनी भी है और खुशबूदार चीनी है, इसमें इलायची हमने साथ में पीस ली है, वह बिस्किट का फ्लेवर जो हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसमें हम चीनी डालकर फिर से हम इसे फेंटेंगे 5 मिनट तक, इस तरह से बहुत एयरी कर लेंगे, जैसे बटर क्रीम होती है ना, उस तरह से बहुत टेस्टी सा बन जाएगा। तो इसे आप इस तरीके से फेंटते जाइए फेंटते जाइए। देखिए कितना अच्छे से एकदम टेक्स्चर जो है इसका स्मूथ होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए, और विस्क करते रहिए। अगर आप इस तरह से विस्क अच्छे से कर लेंगे तो हमारे बिस्किट जो है बहुत ही खस्ता बनेंगे, लाइट बनेंगे खाने में, और क्रंची। देखिए कितना अच्छा बटर क्रीम की तरह ये टेक्सचर हमारा बनके रेडी है। अब दोस्तों मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर मिला रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर से फ्लेवर आएगा, दो फायदे रहेंगे। इसमें 1/4 कप आप कस्टर्ड पाउडर डालिए, जिससे रंग पीला आएगा बिस्किट्स का, जैसे फ्रूट बिस्किट्स का आता है, और साथ में फ्लेवर और ऊपर से नहीं ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे दो काम हो जाएंगे। तो इसमें 1/4 कप मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है, और अब इसमें ऐड करने वाले हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इलायची वनीला एसेंस का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। और ये हम इसमें 1 कप मैदा मिलाना है, इसमें पानी या दूध हमने कुछ नहीं मिलाना है। आप इसमें 1 कप मैदा मिलाइए, थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, और जब आप इस रेशो से बनाएंगे तो आपके बिस्किट हमेशा अच्छे बनेंगे। वैसे इसे हम मिक्स कीजिए अच्छे से, किसी भी स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं इसे, और ज़्यादा इसे नीड नहीं करना है, मलना नहीं है, बस आप अभी मिक्स कर लीजिए, बाद में हम इसे देखेंगे। तो मैं इसे खूब अच्छे से सारा मैंने मैदा मिला दिया है। आप आटा बिस्किट बनाना चाहें तो मैदे की जगह आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारे बिस्किट का जो ये मिक्सर कुकी डो हम जिसे कहते हैं वो मिक्स हो रहा है बहुत अच्छे से, और बस इसे बहुत तेज हाथों से आपने नहीं मलना है, इस तरह से सॉफ्टली इसे मिक्स कर दीजिए। और अब ये टूटी फ्रूटी हम बिस्किट बना रहे हैं, तो मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। मेरे पास येलो कलर की और रेड कलर की रखी हुई है, आप इसमें चाहें तो थोड़े बारीक कटे हुए नट्स मिला सकते हैं, बारीक कटे काजू भी मिला सकते हैं, लेकिन बारीक काट कर ऐड कीजिए। इस तरह से इसे देखिए खूब अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अभी आपको देखो क्रम्बली सा लग रहा है ये दिखने में मिक्सचर, ये देखिए देखिए आप ऐसे बंद करेंगे मुठियाँ तो ये जुड़ रही हैं मुठियाँ, तो आपको इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बिस्किट का जो डो है वो बिल्कुल जुड़ा नहीं है, जुड़ेगा बनेगा, ये बहुत अच्छे से बनेगा। अब इसे एल्यूमिनियम फॉइल पर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस तरीके से, और हम इसको अब थोड़ा रोल करेंगे, और फिर उसके बाद फ्रीज़र में रख के थोड़ा ठंडा करके इसकी स्लाइस निकालेंगे। तो मैं बड़ा सा रोल नहीं बनाऊँगी, मैं इसके छोटे छोटे रोल्स बना लूँगी, और अंदाज़ा रखूँगी कि मैं इक्वल साइज़ के रोल्स बनाऊँ। देखिए जैसे कि छोटा सा मैंने बनाकर रखा ना, इसी तरह के जो भी मेरे पास कुकी डो जितना है उसके मैं रोल बना लूँगी। इसे मैं फिर इसके हम इसके स्लाइस निकालेंगे और बिस्किट्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारे बिस्किट बहुत नीट और अच्छे बनेंगे, अगर आप इसे नाइफ से काट कर स्लाइस निकालेंगे और फिर बिस्किट बनाएंगे तो बहुत नीट बनेंगे और अच्छे बनेंगे। देखिए इस तरह से मैंने, आप देख सकते हैं 1 कप मैदे से हमने खूब सारे बिस्किट बना लेने हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी आधे मैदे के ही बिस्किट बनाऊंगी, बाकी मैं रख दूंगी फ्रिज में अगले दिन इस्तेमाल करने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से हमने बना लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख रही हूँ, ज़्यादा देर के लिए मत रखिए, 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखिए। अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 15 से 20 मिनट रख सकते हैं, ताकि ये जो हमारा डो है थोड़ा सा हार्ड हो जाए, और जब हम इसके स्लाइस निकालें तो बहुत अच्छे स्लाइस निकले। तो इसे मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए मैं तवा रख देती हूँ प्री हीट होने के लिए, जो हम ओवन की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। पुराना तवा लीजिए, उसे गैस पर रखिए, गैस की आंच को हम मीडियम करने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों पुराने तवे घर पर रखे हैं बहुत काम आते हैं, कभी तंदूरी रोटी बन जाती है, कभी इसमें केक भी बेक कर लेते हैं,
तो पुराना तवा लिया मैंने, आप नवा तवा रखा है आपका नवा नया वाला तवा, तो वो भी ले सकते हैं। पर ढक्कन लगाकर इसे प्री हीट कीजिए। तो देखिए मैंने इस पर स्टील का ढक्कन रख दिया, स्टील के ढक्कन से हीट अच्छी आती है। आपके पास कांच का ढक्कन है तो वो भी ले सकते हैं। तो इसे ढक्कन लगा के रख दिया, और जो ये जो तवा है मेरे पास, एक और तवा ले सकते हैं, कोई आप एलुमिनियम का ढक्कन ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं। तो मैं तवा ले रही हूँ क्योंकि इसमें हैंडल लगा है, उठाने में ईजी रहेगा और थोड़ा मोटा भी होता है तवा, तो हमारे बिस्किट तले से जलेंगे नहीं। आप स्टील की प्लेट पर बनाएंगे तो तले से बिस्किट जल जाएंगे, तो आप मोटे तवे पर ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पर बटर पेपर रख रही हूँ, बटर पेपर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी कागज़ काट कर उस पर ऑयल लगाकर उसे बटर पेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने एक तरफ तवा रख दिया अपना सेट करके, उसे गर्म नहीं करना, उसे ठंडे ही लेंगे हम। हमने सिर्फ तवा पुराना एक रखा है हीट होने के लिए, और दूसरा तवा हमने लिया है जो हमने जिस पर हमने बिस्किट बेक करने हैं, उसे हमने गर्म नहीं करना है अभी। देखिए अभी इस तरीके से कितने अच्छे से स्लाइस निकल रहे हैं बिस्किट के। आप यहाँ ऐसे काटेंगे तो हमारी जो टूटी फ्रूटी हमने ऐड की थी वो भी कट जाएगी, और जब हम बिस्किट की बाइट लेंगे तो वो भी बड़े खस्ता होगी, बड़ी करारी होगी। जैसे आपने कराची बिस्किट अगर पहले कभी खाए हैं टूटी फ्रूटी वाले, तो खाने में बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा। इसे इस तरीके से काट लीजिए सारे बिस्किट्स को। और देखिए देखिए हमारा तवा भी रेडी है बिल्कुल, और इसे मैंने गैस पर नहीं रखा था। बार बार कह रहे कई लोग तवा गर्म करके बिस्किट जला लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं। अब इस पर हम रख रहे हैं सारे बिस्किट जो हमने काटे हैं, थोड़ा दूर दूर रखिए क्योंकि बिस्किट थोड़े फैल जाएंगे तो ये चिपक जाते हैं। थोड़ा दूर दूर रखिए सारे बिस्किट्स को, आप इस तरीके से आप तवे पर रखिए और इस तरह से आप बेक कर सकते हैं तवे पर। आप ओवन में भी करना चाहें तो ओवन में भी मैं आपको बताऊंगी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। तो ये तो हमने कर लिया है, इसे सेट कर लिया, और हमारा तवा भी पिछले जो हमारा ओवन तवा बना हुआ है वो भी पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से हमने रखा हुआ था लो हीट पर, इसे भी रख देते हैं, ढक्कन लगाते हैं, और जब हम बिस्किट पकाएंगे या बेक करेंगे तो आँच जो है बिल्कुल कम होनी चाहिए। बिल्कुल लो हीट जो आपकी गैस की है उस पर रखिए। और डबल हमने देखिए शीट रखी थी, इस पर हमारे बिस्किट पक रहे थे। देखिए बहुत अच्छे से हमारे बिस्किट 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट पक गए। आप एक बिस्किट हल्का सा उठाकर देखिए, देखिए नीचे से ब्राउन हो गया, बहुत अच्छे से पक गया, फैल भी गए, बिस्किट का साइज़ बढ़ गया, आप देख रहे हैं। बहुत ही खस्ता है और बहुत गर्म है। अभी हम तवे पर रखे रखेंगे इन्हें तो ये जल जाएंगे, इन्हें फटाफट से आप दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र कीजिए। बस आप ये बटर पेपर को पुल करके प्लेट पर निकाल लीजिए, देखिए बस हमारे बिस्किट जो हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं, लेकिन अभी बहुत गर्म है, अभी इन्हें टच नहीं करेंगे, इन्हें ठंडा करेंगे फिर हाथ लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे बिस्किट जो है तले से बहुत अच्छे से ब्राउनिंग हुई है और बहुत खस्ता दिख रहे हैं। देखिए एक बिस्किट टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर तक पका हुआ खस्ता बिस्किट है, पर ठंडा होने दीजिए, गर्म छेड़ेंगे तो चूरा हो जाएगा। इसी तरह से बिस्किट मैंने ओवन में बेक किए, 160 डिग्री पर मैंने 15 मिनट पर सबसे लो रैक पर रखा था। ये देखिए कितने खस्ता है। और जब ओवन में बेक करते हैं तो क्या है, ब्राउनिंग ऊपर से नीचे सब जगह से होती है, तो इसका कलर थोड़ा अलग है, और लेकिन खाने में दोनों ही बिस्किट सेम है, फ्लेवर सेम है, वैसे ही खस्ता बने। और ये बिस्किट ठंडे हो गए हैं, इन्हें मैं चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया बिस्किट है हमारा, और बहुत ही ज़बरदस्त देसी घी का बना हुआ, कितना अच्छा बिस्किट, एकदम खस्ता, बहुत ही खस्ता है, टेस्टी है। और देखिए फटाफट हमारा तवे पर 15 मिनट में बिस्किट बन गया, और जो हमने ओवन में बनाए थे दोस्तों ये देखिए वो भी बहुत ही खस्ता और बढ़िया बने। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाइए, और इन्हें ठंडा कीजिए, इन्हें आप 1-2 महीने अच्छे से स्टोर कर, ज़्यादा स्टोर क्या करने के, तो थोड़ा बनाइए 10-12 दिन में खाइए फिर बनाइए। हमारे बिस्किट बन गए, बहुत ही खस्ता, क्रंची साउंड आ रही है आपको जो सुनाई दे रही होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी आसान अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।